सो द चैप्टर इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ओके बी ये देखिए ये म्युनिपल कॉर्पोरेशन क्या होती है एंड देन कम्युनिटी प्रोटेस्ट होते हैं तब कैसी situation बनती है उसको कौन डील करता है उसे कौन हैंडल करता है ये हम जानेंगे इस सेशन में ओके डू यू थिंक द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्युनिसपालिटी कैन कीप दिटी क्लीन इफ द रेजिडेंट है bad habits like uh, littering on the road yeah uh, it's a question for you it's a self-survey right so what can you do to keep the neighborhood clean as follows to clean technically right so just think about it and note down a couple of things about it yeah all right and then comes a question for you what type of local government is there in your city ask your parents right

क्या वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं ओके नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक इट्स इंसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होती है इसके काम क्या होते हैं म्युनिसिपैलिटी क्या होती है दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू नो इन दिस सेशन ओके तो आई होप यू आर ऑल्सो रेडी यस ओके पीपल लिविंग इन टाउन जो लोग शहरों में रहते हैं जो टाउन में रह रहे हैं उनकी बहुत सारी जरूरतें होती हैं ठीक है दे नीड वॉटर आपको क्या चाहिए वॉटर वही सबकी जरूरत है दे नीड वॉटर दे नीड इलेक्ट्रिसिटी दे नीड गुड रोड्स पार्क ठीक है एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है इनमें से ज्यादातर चीजें आपको क्या है आपको विलेजेस में भी मिलती है बट

देयर इज अल गवर्मेंट फॉर दिसल गवर्नमेंट इन टाउन डिफरेंट नेम द साइज ऑफ द पॉपुलेशन अब किसी एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा हो सकती है किसी में कम हो सकती है और इसी पॉपुलेशन के साइज के बेसिस पर हमने इस लोकल गवर्नमेंट को क्या कर रखा है अलग अलग नाम दिए हैं फॉर एग्जाम्पल अब यहां देखिये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हियर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सी होती है भाई जहां पे वो सिटीज जिनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी इट इज ओवर टू लाइक मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई बेंगलुरु ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलेंगी ठीक है अ नगर पालिका एडमिनिस्टर्स अ पॉपुलेशन ऑफ वन लैख ठीक है तो जहां पे पॉपुलेशन वन लैख हो जाएगी तो उस ओवर टू लैख है तो वहां पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ठीक है लाइक वन लैख के अराउंड है या लाइक टू लैख से बिलो है ठीक है तो फिर क्या है वहां पे नगर पालिका होगी वेयर एज अ नगर पंचायत इज सेटअप फॉर ट्रांजिशनल एरिया ट्रांजिशनल एरिया यानी कि कोई रूरल से अर्बन की तरफ मूव कर रहा है एरिया ठीक है वो गांव भी नहीं है और वो शहर भी नहीं है वो धीरे धीरे शहरीकरण उसका हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया ठीक है विच आर चेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन विद मोर देन थर्टी थाउजेंड एंड लेस देन वन लाख अब तीस हजार से एक लाख के बीच की जहां पे पॉपुलेशन होगी हम उसको कहेंगे नगर पंचायत वहां पे लाइक हम उसको नगर पंचायत नहीं कहेंगे वहां पे जो लोकल बॉडी होगी वो क्या होगी नगर पंचायत होगी ठीक है म्युनिस्पल कारपोरेशन लुक्स आफ्टर दिविक एमनेस्टीज लाइक वॉट अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या काम है ठीक है ओके टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वॉटर यस टू प्लान ट्रीज एंड मेंटेनिंग पार्क ओके टू लाइट द स्ट्रीट सड़कों में आ, सड़कों पर प्रॉपर क्या होनी चाहिए लाइट होनी चाहिए रोशनी होनी चाहिए सैनिटेशन एंड क्लियरिंग काबेज ठीक है And then keeping records of births and deaths. Okay? So these are the works, and here there are some more duties for them. For example, dengue, malaria, cholera, typhoid, and how they can be prevented by putting up signs in various places elected by the people, right? Okay, and the members of the municipal corporation are elected every five years. So, what is the tenure basically? अच्छा ठीक right? okay, है हमने कहा भाई ये ये लोकल बॉडीज हैं, ये काम इनका काम क्या है इनका ये काम होता है अब हमको ये जानना है कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है भाई इनको पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है या फिर कहाँ से मिलता है तो देखो फटाफट

and then uh, income in the form of water and electricity bills for the water and electricity supplied in the houses and factories. What is the source of income, the income generate hogi, theek hai? okay, and hoti hai. yes, income from property belonging to the municipality, okay? and then duty imposed on goods and commodities brought in or taken out of the city. ठीक है आर द बेसिक थिंग्स ओके इन केसेस व्हेन हैज टू कैरी आउट अ मेजर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग लार्ज एक्सपेंसेस इट कैन सीक अ लोन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट इन्हें लेना है तो ये क्या कर सकते हैं दे कैन सीक फॉर अ लोन कहां से स्टेट गवर्नमेंट से ठीक है नाउ लेट्स लुक एट द वर्किंग ऑफ म्यूनिस्पल कॉर्पोरेशन हम देखेंगे कि इनके काम क्या है हमने ऑलरेडी देखे हैं इनके काम क्या है बट अभी हम इसको क्या करने वाले हैं डिटेल में देखने वाले हैं ठीक है ओके वेर आर वेरियस कमिटीज दैट लुक आफ्टर डिफरेंट इश्यूज देखो बेटा हमारी अलग अलग जरूरत है फॉर एग्जाम्पल हमको क्या चाहिए हमको चाहिए क्लीन वाटर ठीक है हमको क्लीन वाटर चाहिए ठीक है उसके बाद हमको अच्छी सड़कें चाहिए रोड चाहिए ठीक है इसके बाद में हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ठीक है इसके बाद में हमको और क्या चाहिए बताइए बहुत सारी देर मैंने हमको लाइक बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए ठीक है हमको क्या चाहिए अच्छी इंडस्ट्रीज अपने एरिया में या जो भी है लाइक नॉट इंडस्ट्रीज स्पेसिफिकली uh, लेकिन हमको कोई भी अदर फैसिलिटीज जो हमारे एरिया में नहीं है हमको चाहिए हमको क्या चाहिए क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या देते हैं क्लीन एनवायरनमेंट ठीक है ये सोचे तो इसके लिए क्या कोई एक व्यक्ति या फिर मान लो कि हमारे एरिया में केवल दस ही लोग हैं और वो दस के दस लोग के इस इन सब कामों को कर सकते हैं उनके पास में लाइक सबके पास में सेम तरह की एजुकेशन है मान लो ठीक है ये सब क्या है ये सब किसी एक फील्ड में परफेक्ट है किसी भी एक फील्ड में तो क्या ये इन सभी कामों को कर सकते हैं नहीं कर सकते हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि हर ड्यूटी के लिए एक अलग प्रॉपर कमेटी हो फॉर एग्जाम्पल हमें क्लीन वाटर चाहिए उसके लिए एक अलग कमेटी हो हमको अच्छी रोड चाहिए उसके लिए एक अलग कमेटी तो ये कमिटीज़ क्या करेंगी ये डिसाइड करेंगी कि कितना हमको फंड्स चाहिए क्या हमें प्लान्स बनाने चाहिए ठीक है और इनके जो आ, आगे देखो यहाँ पे देर आर वेरियस कम्यूनिटीज ठीक है दैट लुक आफ्टर द डिफरेंट इशूज आपको अगर बिजली की समस्या है तो आप बिजली घर ही जाओगे ना है ना? दिस इज कि आप क्या करोगे आप जाओगे कि भाई हमारे एरिया में लाइट क्यों नहीं आ रही बिजली घर जाएंगे हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाई हम आर टी ओ पहुंच गए है ना ऐसा तो नहीं होता द काउंसिलस डिसाइड ऑन द अ हॉस्पिटल शुड बी बिल्ट ऑन फ्लाईओवर इज रिक्वायर्ड ठीक है तो अभी कौन कौन लोग क्या हैं? ये एक तरह से किसी भी डिस्ट्रिक्ट के क्या हो जाएंगे इंचार्ज हो जाएंगे हम इनके बारे में भी अभी जानेंगे ठीक है हमारे एरिया में जनरली हम देखते हैं इलेक्शन होते हैं ठीक है तो उनमें कुछ जगह पर जो ये इलेक्शन है लाइक like मेयर का जो इलेक्शन है वो लोग करते हैं कुछ जगहों पर काउंसिल जो है वो अपने लाइक like, काउंसिल uh, में से ही कुछ किसी को मेयर और किसी को डिप्टी मेयर चुन लिया जाता है ठीक है फर्स्ट बनना है कोई अपने एरिया में ठीक है तो सबके लिए आ, कुछ ना कुछ बजट अलोकेट करा जाएगा ना तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि, कि किसको ज्यादा पैसे चाहिए किसको कम चाहिए ठीक है तो ये म्यूनिस्पल कारिसाइड कर रही है बेटा ठीक है So, now, क्या हुआ हुआ बजट देन अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंड डिसाइड ओके द काउंसिलर प्लेस द डिमांड और प्रॉब्लम ऑफ द पीपल इन देयर वार्ड बिफोर द म्युनिसिपल काउंसिल ठीक है काउंसिलर जो है वो लोगों की समस्याओं को क्या करेंगे म्युनिसिपल काउंसिल में रखेंगे ओके देन काउंसलर्स डिस्कस ऑल द इश्यूज अब सारे काउंसलर्स बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं अच्छा यहाँ पे ये समस्या है इसका निवारण कैसे किया जा सकता है इस एरिया में ये प्रॉब्लम है इसके लिए क्या सोल्यूशन है ठीक है दीज एंड इम्प्लीमेंटेड बाई द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ये डिसीजन कौन लेगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लेगा ठीक है प्रशासन ऐसे डिसीजन लेगा चलिए अब फटाफट से इसके फंक्शन देख लेते हैं बेटा ठीक है म्यूनिस्पल कारपोरेशन टेक्स केयर ऑफ किन किन चीजों के बारे में हम मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है इंस्टॉलिंग मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग द स्ट्रीट लाइट्स ठीक है हमने ये पहले भी देखा था हमने इनमें से ज्यादातर चीजें पहले देख ली है इंस्टॉलिंग एंड मेंटेन मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग द स्ट्रीट लाइट्स ओके इंश्योरिंग प्रॉपर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज यस एंश्योरिंग वाटर सप्लाई यस Keeping the streets and markets clean, that's right. Ensuring that uh, disease do not break out in the city, that's right. Running of schools, fire stations, hospitals and dispensaries, okay, that's right. Playing, uh, like uh, ma maintaining and repairing roads, okay. Then uh, comes maintaining records of birth and deaths, okay. ये सब हमने पहले भी देखा था ये सब क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटीज है किसकी बेटा कॉर्पोरेशन की, है, की fact, उसके ठीक ठीक है है वो ये काम करेंगे दे विल लार्ज नंबर ऑफ वर्कमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट इन कामों के लिए म्युनिस्पल कॉरपोरेशन क्या करती है बेटा बड़ी संख्या में लोगों को हायर करेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ठीक है मेनी लेबरर्स डू द वर्क ऑफ लिफ्टिंग ट्रांसपोर्टिंग एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड गार्बेज इन वेरियस पार्ट ऑफ द सिटी द लेबरर्स आर पेड ऑन डेली वेजेस ठीक है इनको क्या दिया जाएगा लेबरर्स को डेली वेजेस दिया जाता है ठीक है ओके नाउ लेट्स लुक एट दिस कम्युनिटी प्रोटेस्ट कम्युनिटी प्रोटेस्ट क्या है और कम्युनिटी प्रोटेस्ट के केस में कौन उस इशू को रिजोल्व करेगा ओके सम सम्स सिचुएशन कैन अराइज वेयर द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फेल्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल कभी कभी क्या होगा म्युनसिपल कॉरपोरेशन लोगों को लोगों की जो डिमांड है लोग लोग जो चाह रहे हैं अपने एरिया में वो उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा ठीक है तो इन सब सिचुएशन पीपल प्रोटेस्ट लोग क्या करेंगे विरोध करेंगे इनके इन इसके लिए ठीक है कैन गेट देयर डिमांड्स फुलफिल बाय कंप्लेनिंग टू द राइट पीपल अब इनकी कंप्लेन को क्या किया जाएगा सही भाई ऐसा तो नहीं कि किसी से भी कंप्लेन कर देंगे किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट में आपको स्टैंड लेना है तो आपको पता होना चाहिए हु इज द राइट अथॉरिटी जिसको आप कंप्लेन कर सकते हैं तो लोग कंप्लेन करेंगे

यहाँ पे दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे धीरे 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 उन्होंने वहां पे साफ सफाई करनी बंद कर दी और हुआ क्या एक एपिडेमिक वहां पे फैल गया उस एरिया में कोई बीमारी ऐसी फैलने लगी जैसे अब लोग क्या कर रहे हैं लोग या तो उस जगह को छोड़ के भाग रहे हैं या फिर वो उस बीमारी से दे आर लूजिंग देअर लाइफ ठीक है द पीपल ऑफ वन ऑफ दीज लोकेटीज गॉट टूगेदर एंड डिसाइडेड टू गो टू द वार्ड काउंसिलर इन्होंने क्या डिसाइड किया हम काउंसिलर के पास जाएंगे दे प्रोटेस्टेड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस बाई शाउटिंग स्लोगन्स ठीक है इन्होंने क्या करा? प्रोटेस्ट करने का जनरल तरीका क्या होता है स्लोगन्स बोलते हैं लोग जाके हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो कुछ भी बोल सकते हैं ठीक है सो द काउंसिलर लिसन टू देर प्रॉब्लम एंड प्रोमिस टू पुट द केस इन फ्रंट ऑफ कमिश्नर अब काउंसिलर ने कहा ठीक है जो आपने कहा हमने सुन लिया हम समझ रहे हैं कि आपके एरिया में कोई बीमारी फैल चुकी है इस कारण से मैं क्या कर सकता हूं मैं आपकी बात को कमिश्नर के पास तक पहुंचा सकता हूँ तो हम क्या करेंगे हम कमिश्नर से बात करेंगे ठीक है पीपल साइन अ पिटिशन लोगों ने एक पिटीशन साइन किया एंड काउंसिलर एंड फ्यू पीपल वेंट टू मीट द म्यूनिस्पल कमिश्नर ठीक है अब ये जाएंगे अपॉन हियरिंग देयर ग्रीवियंसिस द कमिश्नर गेव एक्सक्यूजेस लाइक द एरिया वॉज रैम्पेंड विद स्नेक्स एंड वाइल्ड इंसेक्ट्स विच प्रिवेंटेड द स्वीपर्स फ्रॉम क्लीनिंग द एरिया कमिश्नर ने सुनी पूरी बात और कहा भाई देखो आपके यहां पे ना ये बहुत सारे सांप बिच्छू ये सारी ऐसे मतलब इंसेक्ट्स हैं और बहुत सारे कुछ uh, मतलब ही गेव सम एक्सक्यूजेस जिसकी वजह से ही से क्या है आपके एरिया में हमारे स्वीपर्स जो है वो काम नहीं कर रहे ठीक है अब क्या होगा भाई कमिश्नर ने भी बहाना सुना दिया अब सुनो ठीक है उन्हें कहा वाइल्ड इंसेक्ट्स हैं भाई अब क्या है स्वीपर्स काम नहीं कर पा रहे इस चक्कर में ही ऑल्सो सेट दैट द रोड इन द एरिया आर इन बैड शेप एंड लाइटिंग इज ऑल्सो इमप्रॉपर सड़कें उबड़ खाबड़ बनी हुई है आपकी लाइट वहां पे प्रॉपर है नहीं विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द स्वीपर्स टू क्लीन द लोकैलिटी आपकी जगह को वो इसलिए साफ मतलब वहां पे वो साफ सफाई क्यों नहीं कर पा रहे क्योंकि उस एरिया में स्नेक्स हैं उस एरिया में क्या है बहुत सारे इंसेक्ट हैं ठीक है जो जिसकी वजह also आपकी सड़कें उबड़ खाबड़ टूटी फूटी हैं और जो है साथ में क्या है लाइट की प्रॉब्लम लाइक लाइट प्रॉपर नहीं है कमिश्नर ने तो दे दिया लेकिन अब जरा सोचिए उन्होंने जितने भी एक्सक्यूजेस दिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बेटा

म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मी जस्ट डू दिस फॉर यू वेट तो इन्होंने क्या बोला बेटा इन्होंने कहा कि हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी राइट right? अगर आप हमारी लाइक uh, like इसके अगेंस्ट में कोई स्टैंड नहीं ले सकते हैं तो हम क्या करेंगे हम पी फाइल करेंगे आपके अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ठीक है ओके इवेंशुअली दिस इज वट द सिटी कोर्ट डायरेक्टेड द कॉरपोरेशन टू इमिडिएटली लुक इन टू द मैटर सिटी कोर्ट ने क्या कहा आपको त्वरित प्रभाव से इस मैटर को देखना चाहिए ठीक है फॉलोइंग विच द स्ट्रीट ऑफ द कॉलोनीज वर क्लीन एंड सिंस दैन द एरिया हैज बिन केप्ड क्लीन बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्कर्स ओके okay. तो इसके बाद में क्या हुआ उनका एरिया क्लीन करा लिया गया वेरी इजी ऐसा एक केस बेटा एक बार सूरत में भी देखने के लिए मिला था सूरत विच इज इन गुजरात राइट तो यहाँ पर एक लाइक प्लेग एपिडेमिक के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है जो 1994 में फैला था और यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरह से सूरत के लोगों ने उसको डील किया एंड नाउ सूरत इज सूरत इज सेकेंड क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया एंड लेट मी जस्ट करेक्ट यू रिसेंटली जो स्वच्छ सर्वेक्षण इंडिया के अंदर हर साल होता है ठीक है तो उसमें स्टेट वाइज रैंकिंग दी जाती है जिसमें इस साल में जो स्थिति टॉप कर रही है वो है इंदौर यस yes? इंदौर इज इन बताइए कहां पर है इज इट इन एम पी यस और सूरत अगेन इट इज

से हम देखेंगे कि ओके okay, पहली एक्सरसाइज क्या है हमको सर्कल्स अपने लाइक like, हमको सर्कल्स फिल करने हैं राइट हु कैरीज आउट द डेवलपमेंट प्लान फॉर द सिटी इट्स म्युनिसपैलिटी राइट या देखो अगर हमको यहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देता तो हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करते राइट right? लेकिन म्युनसिपैलिटी है तो हम इसको म्युनिसिपैलिटी ही करेंगे ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर गेन टेलिंग यू अगर आपको ऑप्शन में एग्जैक्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिखा हुआ दिखाई दे तो आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही बोलेंगे राइट right? लेकिन अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है तब आप यू विल फाइंड द मोस्ट रेलिवेंट आंसर विच इज म्युनिसपालिटी ओके द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम ईच वार्ड इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बताइए वार्ड काउंसिलर कैन वी कॉल हिम यस okay so we are gonna move on to this one option number b okay what counselor yes option number b and please make sure your circles are filled properly okay all right up then comes question number three the elected chief of the municipal corporation is called chief is mayor then uh, we will say it's option number B again, right? Yes. So let's just fill it properly. Yeah, uh, uh, it's not filled properly, but I want you to fill it properly because I won't be sitting in exams, but you have to sit in your examinations. So please avoid making silly mistakes, okay? Municipal commissioner is reluctant to hear the what do we call it results, problems, songs or grievances. A municipal commissioner So he will be listening the grievances, okay. Option number C will be the correct answer Perfect. OK. now comes. इन द स्मॉलर अर्बन एरिया विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन डैश हैव म्युनिसिपैलिटीज तो हम बोलेंगे मोर देन वन लैख राइट वन ओके द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या बोलते हैं बताइए म्युनिस्पल कॉर्पोरेशन के हेड को अभी तो बताया था राइट right. dash एंड डैश आर इलेक्टेड by द मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन कौन होंगे मेयर एंड डेप्यूटी मेयर ठीक है टैक्सेस इंपोज ऑन डैश आर अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ कॉरपोरेशन बताइए Mm -hmm. Property. The area and responsibilities of municipal corporation are clean and varied. Is it true or false? It is definitely a true statement. Rhea? A mayor works under deputy mayor. No, it's a false statement. The counselors discuss all the issues. True, we have about this. The laborers are paid daily wages. That's true. All right. With this, we are done with all the exercise for today, and with this note, we are done with the chapter as well. I hope all the concepts are clear to you. And now I'll see you in the next class. Till then, I would just say one thing: keep practicing, keep revising. All right, and I'll see you in the next class. Bye bye.